जैसे कि दोष बाकी लक्ष्मी बहुत अच्छे उल्लास से बनाया गया है। जैसे देखा जा रहा है तो अलग अलग चौपाटी को लक्ष्मी जो भी प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत अच्छा काफ़ी जाहिर काफ़ी यात्री देखा जा रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि पब्लिक का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है वैसा लगा है काफ़ी लोगों का सुन रहा है। दो साल कोविड के बाद लोगों को अच्छा लगा है अपने पास से लगी है नमस्कार। अजमेर दिवाली के पर्व पर खूबसूरत नज़ारा है यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह का आना सागर जो है झील इसके चारों ओर लाइटिंग का ये नज़ारा है। खूबसूरत नज़ारे रंग बिरंगी लाइटियों के का साथ इसको सजाया गया है। आना सागर झील के चारों ओर खूबसूरत लाइटिंग नज़र आ रही है जिसमें सात रंग के कलर इसमें आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। वही उस चौपाटी का ये भी नज़ारा है। चौपाटी के ऊपर भी लोगों की भीड़ है जो दो साल बाद यहाँ पे नजर आ रही है। चौपाटी का ये खूबसूरत नज़ारा है। वसीम चौहान हैं उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने इसको कैद किया है कैमरे में अपने मोबाइल के अंदर। रंग बिरंगी लाइटों के साथ ये है चौपाटी का कुछ नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। यही इन्होंने पूरे अजमेर शहर में कैद किए हुए कुछ नज़ारे हैं जो मैं आपको इसी के माध्यम से दिखाऊंगा, दैनिक आकाश के माध्यम से आपको तक पहुँचाऊँगा। देखिए कितनी खूबसूरत जो लाइटिंग है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। चौपाटी है, चौपाटी के चारों ओर ये लाइटिंग लगी हुई है। वही आपको एक दृश्य इसके अंदर जो ऊंचाई से लिया हुआ है वो भी नज़र आएगा और वही पटाखों की गूंज के साथ भी दिखाई देगी आतिशबाजी इसके अंदर। और वहीं चौपाटी के अंदर जो ट्रैफिक है व्यवस्था है किस तरह है, जो अजमेर का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी इसके अंदर माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। देखिए चौपाटी के भी दो साल बाद है जो इसी तरह की जो रौनक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। खूबसूरत नज़ारों के साथ अजमेर का ये एक खूबसूरत नज़ारा है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। भीड़ की बात करें तो भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रही है। रात को हुए जो लोग घूमने का निकले हुए हैं, ये एक ऊपर ऊंचाई से लिया हुआ गया एक नज़ारा है। आना सागर चारों और लाइटिंग आतिशबाजी ये सब यहाँ से नज़र आ रहे हैं। पूरा आना सागर है, झील है वो यहाँ से नज़र आ रही है। ये लाइटिंग का कुछ नज़ारा है। देखिए किस तरह है जो अजमेर शहर के अंदर जो दीपावली का पर्व है वो इस तरह मनाया गया था। आतिशबाजी के साथ ये वसीम चौहान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने एक आतिशबाजी को भी कैमरे में कैद किया था। ये व्यवस्था की बात करें तो दीपावली के पर्व के ऊपर जो व्यवस्था है ट्रैफिक की वो काफ़ी देखने को मिली, लेकिन पब्लिक को एक रास्ते से निकलने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान जो वैशाली नगर जो रोड है पे ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ रही है इस तरह। आपको फिर दोबारा खबर पर मिलेंगे दैनिक आगाज के।